Hey Siri, how to turn off the iPhone? बंदे से हेल्प ली है और उन्होंने बताया है कि ये मैप है, आप इस स्टेशन पे हैं और यहाँ से 3 स्टेशन आगे आपको जो होंग चोंग बे कुछ ऐसे करके उसने बोला है कि यहाँ पे आपको जाना होगा होंग चोंग बे। मुझे ये पता लगा है कि जो मेरे मोबाइल नेटवर्क की एप्लीकेशन थी उसके अंदर एक एक कैप्शन था जो मैंने टर्न ऑन करना था, एक ऑप्शन था जिसको मैंने टर्न ऑन करना था, मैंने टर्न ऑफ किया हुआ था। सो मैं लास्ट ट्राई के तौर पे उसको मैंने टर्न ऑन किया और मेरा इंटरनेट चल पड़ा है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द फुजियन शेंजेन सिटी। टू थाउजेंड ईयर्स लेटर। इस वक्त लिटरली बस हो चुकी हुई है और यहाँ पे करीबी में तकरीबन 350 मीटर्स पे हमें मिल रहा है एक हलाल रेस्टोरेंट। सो आई एम जस्ट हेडिंग देयर और आई होप सो कि कुछ अच्छा मिल सके खाने का। One hour later. सो फाइनली 3 बजे हुए हैं, हम घर से निकले थे तकरीबन 10 बजे के करीब। 15 मिनट का रास्ता था हांगकांग से चाइना का, अभी 3 बजे हुए हैं और हालत इस टाइम पे ख़राब हुई हुई है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ना आपका गूगल चलता है, ना ही कोई इस तरह की वो सर्विसेज आपकी चलती हैं, हर चीज़ यहाँ पे आपको चाइनीज़ में मिलती है। यू रियली हैव टू गो एंड टेक सम हेल्प फ्रॉम अ लोकल हु कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है और अगले बंदे को चाइनीज़ नहीं आती है और अगर आप उनसे कुछ पूछ भी रहे होगे, ही इज़ नॉट इवन गोइंग टू बॉदर टू लुक एंड टेल यू, इशारों से ही बेशक के ऐसा कुछ होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिस इज़ द रेस्टोरेंट द बैक विच इज़ मिलवाना टर्किश रेस्टोरेंट। ये हलाल है यहाँ पे और आई गेस आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा नीचे। तो फाइनली आई एम गोइंग इनसाइड एंड आई होप के कुछ अच्छा हलाल खाने को यहाँ से मिल जाएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू कम टू चाइना, मेक श्योर दैट यू हैव अ लोकल सिम और यू हैव एन एक्टिव रोमिंग, प्लस यू हैव दोज एप्स अवेलेबल जो कि जिनकी मैनूवरिंग आपको पता हो अगर वो चाइनीज लैंग्वेज में है एंड यू आर कमिंग टू चाइना। सो लेट्स गो इनसाइड। सो मैंने क्या ऑर्डर किया था मुझे नहीं पता। हलाल है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ रैप्स, वन इज़ कॉल्ड चिकन रैप, द अदर वन इज़ कॉल्ड Adana wrap, and then we have this grilled chicken with rice. Let me just eat it and then I'll give you a review at the end. Let's start from the wrap. मज़ा आया, yeah. मज़ेगा। ये अदाना रैप है और अदाना रैप इतना आपका एक लंबा सा मोटा कबाब होता है जो के सीजन हुआ होता है डिफरेंट अपनी सॉसेजेस एंड डिफरेंट स्पाइसेस के साथ और वो उसमें रखा होता है। ये जो आप देखते हैं ये वाला जो रैप है ये चिकन के पीसेज जैसे किसी भी शॉर्मे की तरह होते हैं उस तरह, अलॉन्ग विद देयर ओन स्पेशल स्पाइसेस एंड सॉसेज। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मज़े गया, आप ये कहो। This is good. You were going for Adana, so it's fine. Rice is good as well. अगर मुझे इजाज़त मिल गई आज यहाँ पे रात रहने की तो आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ सुपर सरप्राइज ऑफ एक्सप्लोरिंग द शेंजेन सिटी एंड इट्स सराउंडिंग्स, ऑल रिलेटेड टू थिंग्स विच आर इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड एवरीथिंग। सो लेट्स से इफ आई गेट पॉसिबल नॉट।
सो ये चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई थी और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड, तो मुझे कहते हैं सर दिस इज़ अ पुडिंग एंड इट इज़ मेड ऑफ राइस एंड मिल्क। मैंने उसको बोला, मैं क्या मामा तुम ऐसा दस किया खीर है, तो मुझे कहते हैं या इट्स कॉल्ड खीर एज वेल। मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक सरप्राइज़ मैंने आप लोगों के लिए सेव किया हुआ, लेकिन किस्मत का करना कुछ इस तरह से हुआ कि हैंड एक मेरे साथ हो गया और सरप्राइज़ आप लोगों को देने की बजाय उल्टा सरप्राइज़ मुझे मिल गया। हुआ कुछ ऐसे जिसको मैं फिल्म नहीं कर सका, वो ये कि जब मैं बिल दे रहा था तो जो मेरी डिवाइस है डी जे ओस्मो पॉकेट 3 वो मेरे हाथ से स्लिप हो गई और स्लिप होने के बाद वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने की वजह से वो डैमेज हो गई एंड इसके आगे अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ क्या किया। आप सबका तो पता नहीं, फ़िलहाल आई एम एट डी जे आई शेंजन और मेरा जो डी जे आई ओस्मो पॉकेट 3 है वो डैमेज हो गया। मुझे अपने घर जाना है। फॉर्चुनेटली मेरे बिल्कुल साथ ही यहाँ पे डी जे आई का ऑफिशियल आउटलेट था, यहाँ पे मैं गया हूँ, उन्होंने मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी अपने पास रख लिया है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इफ दे विल रियलाइज के ये किसी प्रोडक्ट ग्लिच की वजह से हुआ है तो देन दे विल रिप्लेस इट, एंड इफ नॉट देन दे विल कम बैक टू मी सेइंग दैट दिस इज़ द इशू और अब दे विल चेक एंड इन्फॉर्म मी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने डी जे आई की 2 ईयर केयर प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, सो आई होप कि मुझे वो यूज़ करना ना पड़े, बट जस्ट इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाती है आई विल बी स्टिल ऑन द सेफर हैंड। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ विद दिस होप के आई रिसीव देयर रिस्पॉन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर।